जनपद सिद्धार्थनगर के रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में धमाचौकड़ी करता बंदरों का झुंड आतंक का पर्याय बना हुआ है, जो रेलवे अथॉरिटी के साथ ही बेंडरों और यात्रियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। रेलवे स्टेशन पर उछल कूद करते शरारती बंदर जहां यात्रियों और प्लेटफॉर्म को गंदा करते रहते हैं, वहीं इनके द्वारा छीना झपटी दुर्घटनाओं का कारण बनता रहता है, जो दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहा है। साथ ही विद्युत स्पर्शाघात से मरते बंदर भी बड़ी समस्या बन गए हैं। ऐसे में यहां से रेल यात्रा किसी चुनौती से कम नहीं। इस विषय में रेल अथॉरिटी का कहना है कि स्टेशन पर बंदरों का आतंक एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके लिए जिला वनाधिकारी को लिखित रूप से सूचित किया गया है और रिमांड भी किया गया है, लेकिन कोई पहल ना होने के कारण समस्या बढ़ती ही जा रही है। इस संबंध में स्टेशन मास्टर सिद्धार्थनगर जीके उपाध्याय ने बताया कि इस संबंध में वन विभाग को दो बार लिखित शिकायत भी की जा चुकी है। साथ ही बंदर गंदगी के साथ हर दो से तीन बंदर हाईटेंशन की चपेट में आकर मर भी रहे हैं। वहीं संबंध में डीएफओ चंद्रेश्वर सिंह का कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लाल मुंह वाले बंदरों को वाइल्ड लाइफ से अलग कर दिया गया है, लोकल अथॉरिटी ही कुछ कर सकती है। वहीं संबंध में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा, मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में है, जल्दी समस्या का निदान करने की कोशिश की जाएगी। चाचा, ये स्टॉल यहाँ पे आप लगाते हैं स्टेशन पे, ये बंदरों से क्या मतलब? बंदरों से बहुत ज्यादा दिक्कत है कि जो सामान खींच खींच के भाग जाते हैं, पब्लिक को भी कोई लेके चलता है उसे छीन लेते हैं। अच्छा, कितने बंदर होंगे तब लगभग? ये कम से कम 300 बंदर है। 300 से ऊपर है। आपके द्वारा ये बात संज्ञान में लाई जा रही है, तो हम लोग इसके जो स्टेशन के जो रेलवे अथॉरिटी है उनसे वार्ता की जाएगी और सहयोग देकर इसको हटवाने की कोशिश की है। ऐसा है कि ये जो लाल बंदर हैं, ये आमतौर पर प्राय हर जगह यहाँ देखे जा रहे हैं, और इनको हमारे यहाँ भारत सरकार के स्तर से और प्रदेश सरकार के स्तर से इनको जो है वन्य जीवों की श्रेणी से बाहर किया जा चुका है, और ये सामान्य नीलगाय और अन्य प्राणी की तरह से ही हैं। PCCF वाइल्ड लाइफ के स्तर से हमने ये बात उनके संज्ञान में विगत वर्ष लाया था, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि शहरी नगर पालिका नगर पंचायत के क्षेत्र में वहाँ के नगर पालिका नगर पंचायत इसको पकड़ने की कार्रवाई यदि बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते हैं तो वो कर सकते हैं, वन विभाग उसमें उनको उन जीवों को कोई क्षति न हो किस प्रकार से उनको बाहर कहीं छोड़ा जाए उसके में वन विभाग सहयोग कर सकता है।